गाइस मिस्टर मोमलिक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं विशेष। तो आज हम बात करने वाले हैं थॉर लव एंड थंडर के बारे में और साथ ही हम बात करने वाले हैं एसएसडी कॉमिक कॉन के बारे में। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। सो गाइस आज मैंने थॉर लव एंड थंडर देखी थी। दोपहर के 3 बजे का शो देखा मैंने थॉर लव एंड थंडर का। तो मुझे मूवी बहुत ज़्यादा पसंद आई। मैंने मूवी को पूरा इन्जॉय किया, लेकिन मूवी जो थी थॉर रैग्नारोक के लेवल की नहीं थी, तो इसलिए फैंस को ज़्यादा पसंद नहीं आई और एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये रैग्नारोक के लेवल की हो जाए, क्योंकि टाइकिया जो थे वो रैग्नारोक थॉर रैग्नारोक 2 नहीं बनाना चाहते थे, कुछ और टाइप की स्टोरी बनाना चाहते थे। तो मेरे हिसाब से तो मूवी बहुत अच्छी थी और बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग थी और कॉमेडी बहुत था, बहुत ज़्यादा ह्यूमरस भरा हुआ था मूवी में और मूवी देखने में इंजॉयबल थी। अगर आप लोगों को ये मूवी देखनी है तो ये 1 टाइम वॉच मूवी है। तो मूवी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, इंजॉयबल है, तो मैं इतना ही कह सकता हूँ। और बाकी बात तो रेटिंग्स की, तो थॉर लव एंड थंडर की रेटिंग जो थी वो 71% है, मतलब इतने लेवल की नहीं पहुँच पाई। एवेंजर्स इंफिनिटी वॉर, एवेंजर्स एंडगेम और स्पाइडरमैन नो वे होम के लेवल की नहीं पहुँच पाई। एक डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस की रन टाइम इतनी थी 2 hours 6 minutes की। तो डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस मुझे बहुत अच्छी लगी, मतलब स्टोरी में इतना दम नहीं था, मतलब उसके विजुअल्स बहुत अच्छे थे डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस के। थॉर लव एंड थंडर की बात करूँ तो थॉर लव एंड थंडर के भी विजुअल्स ने ठीक ठाक थे, मतलब उतने ज़्यादा मज़ा नहीं आया था, पर मूवी देखने में इंजॉयबल है। मुझे तो बहुत ज़्यादा मज़ा आया था, बहुत ज़्यादा इंजॉयबल है मूवी, बहुत ज़्यादा फनी है मूवी, एंड इतना मैं कह सकता हूँ। और पोस्ट क्रेडिट सीन मिस मत कीजिएगा, क्योंकि मैंने पोस्ट क्रेडिट सीन देखा तो पोस्ट क्रेडिट सीन में साफ पता चल रहा है कि हमें इन फ्यूचर में थॉर 5 देखने को मिलेगी। ऐसा हो सकता है अगर थॉर 5 देखने को मिलेगी तो स्टोरी शायद अलग हो सकती है, उससे ज़्यादा डिफरेंट हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो आप जाके देख लो थॉर लव एंड थंडर, सिनेमाघर पे लगी हुई है। और अब बात करते हैं सैन डिएगो के कॉमिक कॉन के बारे में। तो सैन डिएगो में हमें मार्वल स्टूडियोस एनिमेशन के कई प्रोजेक्ट्स अनाउंस किए जाएंगे। जैसे कि बात करूँ बहुत से प्रोजेक्ट्स, जैसे कि मार्वल ज़ॉम्बीज़ हो गया, स्पाइडरमैन फ्रेशमैन गेयर हो गया, एक्समैन 97 हो गया, और साथ ही 40th season 2 का फर्स्ट लुक दिखाएंगे। तो ये एनिमेशन एनिमेटेड चीज़ें हैं मार्वल स्टूडियो की, वो दिखाएंगे। और कंफर्म ये है कि ब्लैक पैंथर वकांडा फॉरएवर का फर्स्ट ऑफिशियल ट्रेलर देखने को मिलेगा सैन डिएगो में। कंफर्म है ब्लैक पैंथर 2 का ट्रेलर हमें देखने को मिलेगा सैन डिएगो के कॉमिक कॉन में। और बात करूँ रूमर की, तो रूमर में हमें जो अनाउंसमेंट मिलेगी वो है द मार्वल्स की। फिर मार्वल्स के बाद शायद हमें एंटमैन 3 करके एंटमैन एंड वॉस क्वांटम मेनिया की देखने को मिलेगी। फिर थंडरबोल्ट की देखने को मिलेगी जो कि प्रोजेक्ट ऑलरेडी डेवलपमेंट में है। फिर गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी का फर्स्ट लुक देखने को मिलेगा। फिर हमें नोवा की सीरीज का फर्स्ट लुक देखने को मिलेगा। और शायद हमें फैंटास्टिक फोर जो आ रही है एमसीयू की, उसका भी हमें फर्स्ट लुक देखने को मिलेगा। और भी 3 प्रोजेक्ट्स हैं जो मैं बताना चाहता हूँ। शैंग-ची 2 का भी अनाउंसमेंट आएगी सैन डिएगो के कॉमिक कॉन में, और शायद मून नाइट की 2nd season की भी जो है अनाउंसमेंट आएगी, और शायद मार्वल स्टूडियोज स्पाइडरमैन 4 की भी टाइटल अनाउंस करते कि टाइटल क्या होने वाला है, क्योंकि स्पाइडरमैन नो वे होम जो थी वो बहुत बड़ी सक्सेस थी 2021 की। तो एमी पास्कल और केविन फेगी ने कन्फर्म कर दिया कि हमें इन फ्यूचर में 2-3 स्पाइडरमैन ट्रिलॉजीज देखने को मिलेगी। तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, क्योंकि स्पाइडरमैन इसका फेवरेट नहीं है, मेरा तो बहुत टाइम से फेवरेट है। तो मैं वेट नहीं कर रहा कि स्पाइडरमैन की जर्नी आगे कंटिन्यू हो जाए। और ये भी हो सकता है सैन डिएगो के कॉमिक कॉन में शायद हमें एमसीयू फेज 5 का भी पता चल जाए, क्योंकि वेट कर रहे हैं, क्या पता सैन डिएगो के कॉमिक कॉन में एमसीयू फेज 5 का राज खुल जाए, और या फिर एवेंजर्स 5 का भी वो बीट कर दे, कुछ भी हो सकता है। मार्वल स्टूडियोज है, क्योंकि केविन फेगी जब भी सैन डिएगो के कॉमिक कॉन में जाते हैं कुछ ना कुछ नए सरप्राइजेस लाते हैं हम एमसीयू फैंस के लिए। तो देखने वाली लाइक है, क्या पता एवेंजर्स 5 और एमसीयू फेज 5 का राज खुल दे। और मैंने जितने भी रूमर्स बताए हैं आप लोगों को पता ही चल गया होगा। और बाकी टाइमिंग और डेट की बात करूँ तो ओवरऑल वर्ल्ड की बात करूँ तो 23rd July 5 बजे PT में होगा, और ब्राज़ील में 23rd July को होगा 9 बजे, और बाकी USA की बात करूँ तो 23rd July को 5 PM होगा। और इंडिया की बात करूँ तो इंडिया में शायद डेट है 23rd July
नहीं 24 जुलाई सैटरडे को 5:30 बजे। तो बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है, देखने लायक है क्या होने वाला, क्या अनाउंसमेंट होने वाली है। बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है सैन डिएगो के लिए कि मैं तो वेट नहीं कर रहा शैंग-ची 2 के अनाउंसमेंट का, एमसीयू स्पाइडरमैन 4 का और व्हाट इफ के सेकेंड सीज़न का, और शायद हमें लोकी के सीज़न 2 का भी फर्स्ट लुक देखने को मिल जाए, ये मैं भूल गया था। तो लोकी का सीज़न 2 भी अभी फिल्मिंग में चल रहा है, क्या पता उसमें भी फर्स्ट लुक देखने को मिल जाए, कुछ भी हो सकता है। तो बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है सैन डिएगो के कॉमिक कॉन के लिए, तो बहुत ज़्यादा हल्ला मचा है। तो देखते हैं क्या होने वाला है। तो गाइस कैसा लगा मेरा वीडियो, आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा, इस वीडियो को लाइक और शेयर करो, और अगर आप मेरे चैनल में नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहो, तो आपकी सपोर्ट की पूरी ज़रूरत है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहो और लाइक और शेयर करते रहो। टिल देन मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सब्सक्राइब मिस्टर मावले, बी मावली फैन, और अपना ध्यान रखिएगा।